गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का न्यूज़ है, ये पत्ता खिल रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी ग्रो हो रहा है, नई नई पत्तियां यहाँ से निकल रही हैं। वेलकम टू ज्योति का जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो बहुत रेनी डे है, पूरा दिन रेन बता रहा है, फिर भी हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से। आप देख रहे हो कितनी जोर जोर से बारिश हो रही है। विंडो बंद है फिर भी गर्मी इतनी आ जाती है। यदि ऐसा रहेगा आज तो मॉर्निंग की गरम गरम कॉफ़ी और ब्रेड जो बेटा लाया है वो ग्लूटेन फ्री बोलते हैं ना, कुछ ऐसा छोटी छोटी इन लोगों के एक दो दिन के नखरे होते हैं, डाइट करना ये करना, तो ये सब कुछ ऐसा लाते हैं अलग अलग से। हमें तो हमारी रोटी ही चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ। कपड़े फुल करते करते बातें करेंगे तो वो मेरे, मैंने कहा था ना मेरे गांव से कनाडा तक की जर्नी, तो मैं गुजरात के गांधीनगर के पास गांव है मेरा लोधरा करके, वहां की हूँ। पहले तो हमारे गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सब कुछ, पीटीसी कॉलेज सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारे गांव में अड़ोस पड़ोस के गांव से भी कई लोग पढ़ने के लिए आते थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और हमारे स्कूल में भी। तो स्कूल का भी बहुत रेपुटेशन बहुत अच्छा था, पढ़ाई में स्कूल के टीचर और सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरे पापा के वहाँ खेतीबाड़ी का काम था, तो पापा मॉर्निंग में खेत में हम लोग साथ में जाते थे और 9 o'clock के बाद फिर पापा का सचिवालय में काम करते थे। तो सचिवालय में जाने के लिए 9 o'clock को तो उनको बस पकड़ लेनी पड़ती थी। तो मॉर्निंग में 4 बजे से मेरे फादर उठ जाते थे और सब कुछ, घर का भी खेतीबाड़ी का भी काम संभालते थे और ऑफिस भी जाते थे। तो जब खेतीबाड़ी में जाते थे तो मॉर्निंग में मैं और मेरी मम्मी उनके साथ ही होते थे, दोनों भाई लोग ट्यूशन चले जाते थे 6 o'clock को। तो ये हमारा स्केड्यूल था मॉर्निंग का। तो कभी हम लोग लाइक लेट तक तो सोए भी नहीं है, कभी चलो 8-9 बजे तक सोना का ऐसा कुछ, 7 बजे सो जाने का शाम को, इवनिंग को, संध्या टाइम को, और मॉर्निंग को 4:30-5 बजे उठ जाने का, ये स्केड्यूल था हमारा। तो हम लोग खेतीबाड़ी में भी, मेरे पापा पहले तो इतना पानी भी नहीं आता था, बोर भी नहीं थे, इतने कम थे, तो एक सरोवर था वहाँ से हम पानी भर भर के
हमारे जो खेत में कपास की खेती करते थे या किसी एरंडे की खेती करते थे, तो बड़े बड़े स्टील के कंटेनर आते थे, उसमें पानी ला ला के उसमें से थोड़े थोड़े टब भर भर के सभी प्लांटों को देते थे। तो ऐसे करके खेती बाड़ी मेरे पापा हमसे करवाते थे। और 40 डिग्री टेम्परेचर में भी काम किया है, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खेत में काम किया है। इतना काम करने के बाद भी कभी कभार तो खेती में से कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत मेहनत करते थे, बहुत मीन्स बहुत सारी मेहनत करते थे। लेकिन मेहनत करना छोड़ते नहीं थे। और जो मेहनत करते हैं उसमें से जो फल मिलने वाला था उसका सोच के भी कभी गिव अप नहीं करते थे। कभी इस साल नहीं हुआ तो अगली साल तो होगा ही, ऐसा सोच के पापा ने पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई थी। तो जब हम क्या बड़े हुए और फिर मैंने मेरे ग्लासेस के बारे में बताया था ना, तो मैंने पूछा पापा को, तो इतनी जल्दी उठ के भी सब बहुत काम करने के बावजूद भी कभी कभार तो मेहनत करते थे उसका फल नहीं मिलता था खेती में से। तो कई बार पापा मायूस हो जाते थे, कभी इतना मेहनत किया तो भी इतना जो पाक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन वो आशा रखते थे कभी इस साल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले साल मिलेगा ही मिलेगा। तो गिव अप नहीं करते थे कभी भी। तो वही देख के मैंने मेरे पापा से वही सीखा, कभी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करने का। इस साल नहीं अच्छा हुआ तो अगले साल अच्छा होगा। तो मैं कभी मेरे पापा को पूछती थी मेरे ग्लासेस के बारे में। जब बड़ी हो गई तो मैंने कहा इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो करते हैं उसका आपको फल नहीं मिलता तो आपको थोड़ा वो होता है। तो मैंने पूछा पापा को, तो बोले तुम्हारे ज़माने में तो ऐसा ऐसा आएगा ना, जब तू बड़ी हो जाएगी तो ऐसी गाड़ियाँ आएगी, तू जहाँ बोलेगी वहाँ तुम्हें ले जाएगी। तो मैंने कहा पापा कैसा हमको फुसलाते हैं ऐसा बातें करके, कि भाई ऐसी गाड़ी आएगी तो तू जहाँ कहेगी वहाँ तुम्हें ले जाएगी, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आएगी। और तुम्हारे, मैंने कहा इतना मैंने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, भगवान मुझे कब रेस्ट देगा, ऐसा मैं फिर पापा को बोल वो बोलते थे जब तू बड़ी होगी तो तुम्हारे पास तो रोबोट होगा, तू जैसा बोलेगी वो रोबोट करेगा। तो कई कई बार तो पापा की बातें सुन के उस टाइम तो ऐसा लगता था कि भाई सच में पापा क्या बोल रहे हैं। और बताया कि भाई ऐसा गाड़ियाँ होगी, और बोले ऐसा टीवी होगा जो आप फोल्ड करके भी कहीं भी कभी कहीं ले भी ले जा सकते हो। तो सच में ये सब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, पापा जैसा बोला था ऐसा ही सब कुछ होता है लाइफ में। वो बोले ऐसी साइकिल आएगी पानी में तैरेगी। तो मैं उस टाइम उन पे वो हंसती थी, कभी पापा क्या मुझे फुसलाने के लिए कैसा कैसा बोल रहे हैं। लेकिन जो आप ड्रीम देखते हो वो पूरे होते ही है, चाहे थोड़े देर से हो या जल्दी हो। तो देर से होने में जब मिलता है तो थोड़ा उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। मैं यहाँ आई कनाडा में, तो स्टार्टिंग में तो ये लेबर जॉब करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, मिलती भी नहीं थी कभी कभार। तो एजेंसी जहाँ भेजती वहाँ जाते थे। तो एक जगह मुझे ऐसी जॉब मिली जहाँ सीढ़ियाँ होती है ना, वो ले जाके 1, 2, 3 फ्लोर होते हैं, वहाँ ऐसे कपड़े रखे होते हैं, उसमें से पिक करके यूएसए के ऑर्डर बनाए जाते थे, भाई यूएसए भेजे जाते थे वो कपड़े। तो स्टार्टिंग में मैं आई और उस कंपनी में काम कर किया पहले दिन, तो ऊपर नीचे सीढ़ियाँ कर करके, और जो बीन होता है उसमें जैकेट टी शर्ट और ऐसे ऐसे अलग से रख के नीचे भेजना था। तो वो लेडी बोली थ्रो इन डाउन स्टेयर। तो पहले तो डाउन स्टेयर और अप स्टेयर भी पता नहीं था, डाउन स्टेयर करती थी।
मैंने कहा क्या बोल रही है। तो फिर मैंने देखा है सारे लोग ऐसे वो पट्टे पे वो बिन रख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डाउनस्टेयर नीचे भेजने का। तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, तो डाउनस्टेयर और अपस्टेयर का भी कुछ आता नहीं था। कोई बोलेगा कि भाई अपने बच्चों को वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी और इसको इतना भी पता नहीं है डाउनस्टेयर और अपस्टेयर क्या होता है, लेकिन ये रियलिटी है कि भाई नहीं आता था तो नहीं आता था, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। वो कंपनी में जाती थी तो भी थोड़ी नज़दीक ही थी घर से, तो कभी बस नहीं ली, चल के जाती थी उस टाइम के बस का किराया बचाने के लिए। और इतना 8 घंटे काम करके इतना थक जाते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे। वो सीढ़ियाँ ले के ऊपर नीचे चढ़ो ऊपर नीचे चढ़ो, 8 आवर आप काम करो तो आपका क्या हाल होता होगा आप सोच नहीं सकते। फिर भी घर आते वक्त भी बस का किराया बचाने के लिए फिर से वॉकिंग करके आते थे। इतना बचत करना पड़ता था उस टाइम। तो मेहनत करते हो तो उसका फल ऊपर वाला ज़रूर आपको देता है, चाहे जल्दी दे या लेट दे, लेकिन देता है। तो कभी कभार बोलते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे खाड़ा खोद के मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, वो तो सब कुछ नसीब से होता है। नसीब भी होता है, मेहनत करो खाड़ा खोदो, जितना बचत हो सके बचत कर सकते हो तो करनी होती है तो कर लेनी चाहिए उस टाइम। तो जब 2013 में टेस्ला गाड़ी आई ना, तो इसके बारे में मुझे पता 2016 में चला। तो पहले देखी थी 2013 में टेस्ला गाड़ी को, तो सोचा था दिमाग में कि भाई ऐसी गाड़ी तो लानी ही है। तो तब मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारी लायकात देखी है, तू क्या है तो ऐसी गाड़ी चलाएगी। मैंने सोचा मैं लाऊं या ना लाऊं, लेकिन मैं एक दफ़े टेस्ला गाड़ी में बैठ के चला के आपको दिखा दूंगी। जब वो उसको मॉल में रखा था तो मैं और मेरी बेटी गए थे, तो मेरी बेटी बोली ऐसे गाड़ी में नहीं बैठ जाते, वो तो दिखा रहे थे गाड़ी का जो फ्यूचर है ऐसा है ऐसा है। मैंने कहा मुझे ए मॉडल वहाँ रखा ही था, जो भी आके बैठे उसके बारे में पूछे वो लोग कस्टमर केयर वाले सब कुछ आपको समझाते थे। मैंने कहा लेना है नहीं लेना वो बात की अलग है, लेकिन इसमें बैठना तो है ही। एकदम बैठ के देखे तो सही कैसा फील होता है कि भाई जहाँ बोलो वहाँ वो गाड़ी ले जाती है, उसमें बैठो तो सही। मैं तो बैठ गई, बेटी मना ही करती थी, नहीं 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 मुझे नहीं। मैंने उसको भी कन्वेंस कर दिया, मैंने कहा बैठ जा और पूछ, मेरा तो इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल पूछो कैसा है कैसा नहीं। लेना नहीं लेना वो बात अलग है, पैसे वो तो पैसे है भी नहीं हमारे, इतने लायकत भी नहीं है कि भाई हम टेस्ला खरीदे, लेकिन एक दफ़े बैठने का बोला तो मैंने कहा बैठूंगी तो सही, अपनी लायकत है भाई। जो देखते हैं वो हासिल करने की मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अकेले सपने ही देखते हैं। फिर वो बात फिनिश हो गई। उसके बाद 2016 में मैंने कहा लाओ, बैठी थी सलून पे तो ड्राइविंग टेस्ट का कुछ आया टेस्ला में कि भाई ड्राइव टेस्ट करना हो तो आपको बुकिंग कराओ या टाइम ले लो। मैंने सोचा चलो ज्योति का आज तो करते हैं कुछ, तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ही टाइप किया और उसके लिए ड्राइविंग का टाइम मांगा, तो उन्होंने टाइम दिया। तो माय गॉड, मैं जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई मेरे हाथ ऐसे कांपते थे, फिर भी मैंने बैठ के टेस्ला चलाई,
खुद से। और मैंने पूरा एंजॉय लिया। मैंने कहा चलो, और मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं था कि मैंने ये ड्राइविंग टेस्ट जब जाने वाली थी, मैंने कहा मेरी औकात के मुताबिक मैंने जो किया मैंने किया है। अभी आज एक दिन गाड़ी भी आएगी मेरे गैराज में, इसलिए मेरे सामने तो कभी ये मत बोलना कि तुम्हारी औकात क्या है। जो सपने देखते हो उसके लिए मेहनत करो, ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। हस्बैंड दे, बच्चे दे, कोई ना दे, आप अपने में विश्वास रखो, बस सब कुछ हो जाता है। कब तक आप हस्बैंड को आगे, मैं बहुत आगे करती, ये कर लो ये कर लो, केरना पप्पा आ करवानू, ते पेलू करवानू, ऐसे ऐसे 24 घंटे हम उनके अंडर में ही रहेंगे रहेंगे, तो वो हमको कभी वैल्यू भी नहीं देंगे। और वैल्यू भी तभी देंगे जब उनको कुछ ज़रूरत होंगी हमारी, हमारे से कुछ करवाना होगा तब। आप अपने लिए कुछ करो, मेहनत करो, करते हो तो आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए कुछ करो। मेरा यही कहना था कि भाई गांव से आई हुई लड़की 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, वहाँ इंडिया में खेतों में भी काम कर चुकी हुई लड़की, कनाडा की धरती पे टेस्ला गाड़ी भी चला सकती है। तो कोई ऐसा नहीं है भाई इजी रास्ता है, कोई रास्ता इजी नहीं होता, बहुत स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है। मैं जब मेरे पापा के गांव में भी खेत में भी काम करती थी, पूरी ईमानदारी से, मुझे उस वहाँ से क्या मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, पूरी ईमानदारी से काम करती थी। पापा बोले ये करो, खादा खाड़ा खोद के कपास उगाओ, एरंडा उगाओ, जुआर बाजरी सब कुछ काटा है, सब कुछ गर्मी में बारिश में, जब कुछ भी हो जाए तब ऐसी सिचुएशन में हमने काम किया है। तो काम करना और मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना, सपने देखना भी कभी नहीं छोड़ना। सपने हैं तो आप हो, मेहनत करो सब कुछ हासिल हो जाएगा। सॉरी, ये मेरा था आज का ब्लॉग। आप लोग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तो मिलते हैं टुमारो, अंटिल स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।